सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हैं। और इस शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को SCO की पूर्णकालिक सदस्यता दे दी गई है। साल 2001 के बाद पहली बार चीन के प्रभुत्व वाले SCO का विस्तार हुआ है और इसके साथ ही इसकी सदस्य संख्या 6 से बढ़कर के अब 8 हो गई है। अस्ताना में SCO समिट को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानव मूल्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लिहाजा सभी देशों को मिलकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान PM मोदी ने SCO में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन और प्रयास करने के लिए चीनी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया।